हेलो फ्रेंड्स, मैं परीप रोहित और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुलाब के साथ 5 और 3 पत्तियों का रहस्य बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेल वाला गुलाब है और इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और पूरे एक साथ गुच्छे में वाइट कलर का फूल आता है और इन सारे गुलाबों में 7 पत्तियाँ होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 7 पत्तियों वाला जो गुलाब है वो जंगली गुलाब होता है। बेल वाले गुलाब में भी 7 पत्तियाँ होती है। तो यह मिथक है कि जो 7 पत्तियों वाला गुलाब है उसे नर्सरी से ना खरीदें क्योंकि उसमें फूल नहीं आते हैं। ऐसे नहीं है, उसमें भी फूल आते हैं। अब देखिए, नर्सरी से ख़रीदा हुआ मेरा यह हाइब्रिड गुलाब है जिसे अंग्रेजी गुलाब भी कहते हैं और इसमें किसी किसी में 5 और किसी किसी में 3 पत्तियां हैं। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो देसी गुलाब है उसमें 5 पत्तियां देखने को मिलती है और देसी गुलाब के फूल में खुशबू रहती है और जो हाइब्रिड गुलाब जो कटिंग से अंग्रेजी गुलाब तैयार किए जाते हैं उसमें 3 और 5 पत्तियां होती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो 7 पत्ती वाला गुलाब है वो लंबा होता है और जो 3 और 5 पत्ती वाला जो गुलाब है वो छोटा होता है और वो गमले में भी लगाया जा सकता है। अब ये आप सब देख सकते हैं, पिंक कलर का मेरा छोटा सा गुलाब है और इसमें 5 पत्तियां भी है और 3 पत्तियां भी है। आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए, इन सब में 5 पत्तियां भी है और 3 पत्तियां भी है। तो अब देख सकते हैं आप जस्ट इस फूल के, देखिए 5 पत्तियां हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5। सो ऐसे 5 पत्तियां है इसमें। देखिए, मेरे ये सब अंग्रेजी गुलाब हैं और ये भी नहीं है कि ये सब के कटिंग के नीचे से उगे हुए हैं, सब कटिंग के ऊपर से निकले हुए तने हैं और जिसमें 3 और 5 पत्तियां हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आपको ये कहूँगी कि 3 और 5 के चक्कर में ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता, और गुलाब लगाएं। सो बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट।